छत्तीसगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में कोरोना संक्रमित 4 नए मरीज मिले हैं। सोमनी थाना क्षेत्र के इराग गांव से 3 कोरोना संक्रमित मिले हैं। डोंगर गांव के जंतर गांव से मिला एक कोरोना मरीज। चारों मरीजों को राजनांदगांव के कोविड 19 अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिला स्वास्थ्य एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी मिथिलेश चौधरी ने पुष्टि की कि सभी पॉजिटिव हैं। मरीजों की ट्रैवलिंग हिस्ट्री खंगाली जा रही है स्वास्थ्य विभाग द्वारा। तो बड़ी खबर आपको बता रही हैं, राजनांदगांव से कोरोना संक्रमित 4 नए मरीज मिले हैं। सोमनी थाना क्षेत्र के राजगांव से 3 कोरोना मरीज मिले हैं। तो कुल 4 मरीज हैं, जिसमें से चारों मरीजों को भर्ती करा दिया गया है और इनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है स्वास्थ्य विभाग द्वारा। राजनांदगांव से बड़ी खबर, कोरोना संक्रमित 4 नए मरीज सामने आए हैं। तो छत्तीसगढ़ में अचानक से 4 नए मरीज सामने आ गए। दरअसल ये चारों मरीज राजनांदगांव से हैं, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है और ये भी खंगाला जा रहा है कि इस बीच ये किस किस के संपर्क में आए हुए होंगे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनोज फोन लाइन पर जुड़ गए। मनोज, 4 नए मरीज सामने आए हैं, क्या ट्रैवल हिस्ट्री निकाल ली जा चुकी है? हेलो जी मनोज। हाँ जी बोलिए। मनोज, अपडेट क्या मिल पा रहे हैं कि राजनांदगांव में 4 नए मरीज सामने आए हैं, ट्रैवल हिस्ट्री क्या निकाल ली जा चुकी है? जी, इनकी इरा गांव से 3, जिसमें एक महिला है, और डोंगर गांव से 1, इन चारों का अभी जिनसे इनके संपर्क में आए हुए थे उन सब की हिस्ट्री निकाली जा रही है और अभी एक टीम भेजी गई है उनके लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मनोज। वही ग्वालियर में बाजार